गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मॉमी टॉकीज के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि ब्रेस्ट मिल्क बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि एटलीस्ट 6 मंथ्स तक आपको अपने बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क ही देना चाहिए। इनफैक्ट WHO भी यही रिकमेंड करता है कि जब तक आपका बेबी चाहे तब तक आपको उनको सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही देना चाहिए। बट होता क्या है, बहुत सारे रीजंस की वजह से हम हमारे बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वर्किंग वूमन हैं, आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर बच्चा अच्छी तरीके से लैच नहीं कर पा रहा है, या अगर आपको लो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई का इश्यू है, या फिर अगर आपको ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट है, या फिर अगर आप अपने बच्चों के पास नहीं है, तो इन सारे ही सिचुएशन में हम चाहते हैं कि हम हमारे बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क ही दे, बट हम नहीं दे पाते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका बस एक ही सोल्यूशन है कि आप बहुत आसानी से ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल करते हुए आप आसानी से अपने मिल्क को पंप करके अपने बच्चों को पिला सकते हैं। फिर अगर आप चाहते हैं कि अगर आप बच्चों के पास ना भी हैं, तो आपको एटलीस्ट ये एश्योरिटी रहती है कि आप अपने बच्चों को अपना ब्रेस्ट मिल्क ही दे रहे हैं। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ लव लैप मैनुअल ब्रेस्ट पंप के बारे में, उसके डिटेल फीचर्स के बारे में, और आपको समझाने वाली हूँ कि किस तरीके से इस ब्रेस्ट पंप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मिल्क को बहुत ही आसानी से पंप करके अपने बच्चों को पिलाने के लिए, या फिर अपने बच्चों के लिए स्टोर करने के लिए। सो लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। सो दोस्तों, ये पंप कुछ इस तरीके से दिखता है। आइए सबसे पहले इसके अटैचमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको मिलता है 1 पंप यूनिट, 1 मैनुअल हैंडल, 1 सिलिकॉन डायफ्राम, 1 सॉफ्ट सिलिकॉन मसाज कुशन, 1 मिल्क कंटेनर, 1 डस्ट प्रोटेक्शन कैप, 1 teeth bottle ring and cap, 2 complimentary breast pad एंड 1 valve। ये सारे कुछ ऐसे अटैचमेंट थे जो कि आपको इस पंप पे मिलते हैं। अब आइए जल्दी से देख लेते हैं कि इन अटैचमेंट को इस्तेमाल करके किस तरीके से बहुत ही आसानी से आप इस पंप को असेंबल कर सकते हैं। तो इस पंप को असेंबल करने के लिए सबसे पहले आप वॉल्व को यू इस तरीके से पंप बॉडी के नीचे की तरफ से अटैच कर दीजिए। उसके बाद आप बॉटल को पंप के बॉडी के नीचे यू इस तरीके से स्क्रू करते हुए फिक्स कर दीजिए। फिर आप सिलिकॉन डायफ्राम को पंप बॉडी के ऊपर की तरफ यू इस तरीके से लगा दीजिए। फिर आप हैंडल को यू इस तरीके से अटैच कर दीजिए, एंड यहाँ पे सक्शन लेवल को आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके सेक्शन लेवल की अगर हम बात करें, तो इसमें बेसिकली आपको 3 डिफरेंट सेक्शन लेवल मिलता है, जिसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। सो पंपिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पंप को यू इस तरीके से अपने ब्रेस्ट पे लगाना है, एंड हैंडल्स का इस्तेमाल करते हुए आप आसानी से इस तरीके से पंप कर सकते हैं। याद रखिएगा, सक्शन लेवल आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार अगर पंपिंग ओवर हो जाए, तो इस तरीके से आप बॉटल को पंप बॉडी से अलग कर लीजिए, एंड बच्चों को इंस्टेंट फीड कराने के लिए टीथ एंड कैप को यू इस तरीके से लगा दीजिए, या फिर आप इसको फ्यूचर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। सो इस पंप में आपको सॉफ्ट सिलिकॉन मसाज कुशन मिलता है, जो कि किसी भी ब्रेस्ट साइज में बहुत ही आसानी से फिट हो सकता है। एंड साथ ही साथ इसके अंदर आपको स्पेशल पेटल डिजाइन भी मिलते हैं, जिससे पंपिंग के टाइम पे ब्रेस्ट में काफी अच्छा मसाज मिलता है, एंड पंपिंग काफी आसान हो जाता है। बेस्ट पार्ट है कि इसमें आपको कुछ इस तरीके का पंपिंग फीचर मिलता है, जो कि बच्चों के नेचुरल सकलिंग रिदम को मिमिक करता है, जिससे निप्पल स्टिमुलेशन होता है, एंड ये ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को इंक्रीज करने में भी काफी हेल्प करता है। इसमें आपको अर्गोनॉमिक पंपिंग हैंडल मिलता है, जिससे पंपिंग मोशन काफी इजी एंड स्ट्रेस फ्री हो जाता है। एंड इसको यूज करने के बाद यहाँ पे आपको डस्ट प्रोटेक्शन कैप मिलता है, जिसको इस्तेमाल करके आप इसको कवर भी कर सकते हैं। ये पंप काफी कॉम्पैक्ट है, पोर्टेबल है, एंड इसमें आपको ट्रैवल फ्रेंडली पाउच मिलता है, जिसमें डाल करके आप काफी आसानी से इस पंप के साथ बाहर भी ट्रैवल कर सकते हैं। इस पंप के सारे ही पार्ट्स को आप बहुत ही आसानी से कुछ इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं, एंड कुछ इस तरीके से आसानी से इसको स्टरलाइज भी कर सकते हैं। ये पंप काफी सेफ एंड हाइजीनिक भी है, क्योंकि इसके सारे ही पार्ट्स फूड ग्रेड BPA फ्री प्लास्टिक एंड सिलिकॉन से बनाए गए हैं, मतलब इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है, ना आपके बच्चों के लिए एब्सोल्युटली सेफ है। इनफैक्ट लव लैब ब्रेस्ट पंप एक्सटेंसिवली ट्राइड एंड टेस्टेड एंड अप्रूव्ड बाय इंडियन मॉम ब्रेस्ट पंप में से एक है। सो इस तरीके से बहुत आसानी से आप लव लैब मैनुअल ब्रेस्ट
पंप का इस्तेमाल करते हुए अपने मिल्क को पंप कर सकते हैं एंड अपने बच्चों को सिर्फ अपना ब्रेस्ट मिल्क जो है वो पिला सकते हैं। आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा एंड अगर आपको ये अपने लिए खरीदना होगा तो ये आसानी से अमेजोन फ्लिपकार्ट एंड लव लैब के साइट पे अवेलेबल है जिसका परचेस लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम इसी तरह के वीडियो जो है वो आपके लिए बनाते रहते हैं, आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए बहुत अच्छे और बहुत प्यारे वीडियोस जो है वो बनाने के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अमृता आज का वीडियो खत्म करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी पेरेंटिंग एंड बाय बाय।